गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि, योर इंग्लिश टीचर. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट लाइक वॉज एंड वर, वेयर वी कैन यूज वॉज एंड वर इन आवर सेंटेंस. ओके, एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड, बट आई वुड लाइक टू समराइज द थिंग सो डैट यू गेट क्लैरिटी ऑन डैट. ओके, सो वेयर वी कैन यूज वॉज, द बेसिक रूल इज, सी, use was with singular subject only, like one person. When we talk about only one person, one place and one thing and one idea as well, so where we can use was, like for example, I was at the store. ठीक है, because यहाँ पर हम सिर्फ एक person की बात करें, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं कहाँ था, store में था. okay, तो मैं दुकान में था, मैं shop में था, तो like that. and where we can use like word we thought always come like plural subjects only, more than one person, more than one place, things or one idea, more than one idea. So like we were at the store, मतलब we में तो एक person नहीं है, यहाँ पर we में तो दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, तीन चार पाँच छः कितने भी आ सकते हैं. सो इसलिए यहाँ पर we के साथ हमने were का इस्तेमाल किया है. ओके, एंड मैं आपको कुछ एक वर्कशीट सेंड करूँगी इसके साथ. ओके, दिस इज़ योर वर्कशीट, यू हैव टू कम्प्लीट दिस इन योर नोटबुक, ग्रामर नोटबुक. ओके, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, देन यू कैन राइट इट इन योर ग्रामर नोटबुक. देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस्टरडे द वेदर डैश वॉज वर, बताओ यहाँ पे आपको लिखना है कि वॉज आएगा या वर आएगा. माई मॉम डैश वॉज वर अ टीचर, क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा. ठीक है, आपको यहाँ पे करना है. एंड वी डैश वॉज वर एट द पार्क, ऐसे करके आपके सारे सेंटेंस को, ये सारे आपके वर्कशीट हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, सो दैट यू गेट क्लैरिटी देन हाउ कैन वी यूज वॉज एंड वर इन आवर सेंटेंस. ओके, तो ओके, keep learning and bye bye, take care.